जो आपको 25 फीट की रोड 27 फीट की रोड पे हमने घर बताए, आप बहुत सारे घर देखते होंगे लेकिन इस तरीके की, तो ये कॉलोनी जहाँ पे है इस तरीके के घर आपको यहाँ पे बढ़िया घर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो ये कॉर्नर का हमने 1000 स्क्वायर फीट का घर दिखाया, इसके अलावा 920 स्क्वायर फीट 940 स्क्वायर फीट के भी आपको जो घर हैं। कॉर्नर का घर किसको पसंद नहीं आता, सभी को आता है, आपको भी आता है, हमको भी आता है, और लेकिन इस तरीके के जो घर हैं वो बहुत ही कम नज़र आते हैं। अगर मिलते भी हैं तो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं, और अगर 25 फीट की रोड पे हों तो बहुत ही जल्दी सेल हो जाते हैं। तो ये जो हम आपके बीच में घर कॉर्नर का लेके आए हैं, ये आपको 27 फीट एक तरफ आपको रोड पड़ेगी, एक तरफ आपको 25 फीट की रोड पड़ेगी। मेरा नाम है रोहित भदौरिया और आज आपके बीच में 1000 स्क्वायर फीट का ये पूरा जो कॉर्नर का घर है ये आपके बीच में लेके आए हैं। मैंने कॉर्नर का घर बताया तो आपको लगता होगा कि रेट भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इस घर का जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। शहर के अंदर का मकान है, कानपुर रोड के पास का मकान है। बाकी डिटेल में हम आपको बताते हैं, पहले घर दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा घर आपको 1000 स्क्वायर फीट का बना हुआ आपको पूरा नजर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी ग्रे के वीडियो पसंद आते हैं तो प्रॉपर्टी ग्रे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके बीच में लेके आते हैं। अगर इस घर के फ्रंट की बात करें तो इस घर का फ्रंट भी बहुत अच्छा है, 22.25 के आसपास इसका आपको फ्रंट पड़ेगा और 45 की लगभग इसकी आपको गहराई पड़ेगी। अंदर से चल के देखते हैं किस तरीके से ये पूरा घर जो है ये आपको बना हुआ नजर आ जाएगा। सामने में आप देखेंगे कि लोहे का जो गेट है वो बड़ा सा आपको पूरा लोहे का पूरा गेट है वो लगा हुआ आपको पूरा नजर आ जाएगा। पार्किंग स्पेस काफी अच्छा पार्किंग स्पेस है, बड़े साइज की गाड़ी अंदर आराम से पार्क हो जाएगी। 1000 स्क्वायर फीट के घर में अगर आपको 22 के आसपास का फ्रंट होता है तो काफी अच्छे कमरे भी निकलते हैं और आपको पार्किंग का स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन्वर्टर का पूरा जो स्पेस है ये पूरा आपको पूरा मिल जाएगा। ऊपर में देखेंगे कि सेफ्टी पर्पज से आपको ग्रिल जो है ये पूरी लगा के दे रखी है। इस तरफ आप आगे देखेंगे तो इंडियन स्टाइल का आपको बड़ा सा पूरा वॉशरूम जो है ये पूरा इंडियन स्टाइल का वॉशरूम आपको पूरा मिल जाएगा। 7 फीट की हाइट तक यहाँ आपको जो टाइल्स वगैरह हैं वो पूरे लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये लगभग आपको 4 फीट का यहाँ पे पूरा ये गैलरी का पूरा स्पेस है ये आपको पूरा नजर आ जाएगा। ड्राइंग रूम में देखते हैं किस तरीके से आपका ड्राइंग रूम आपको बना हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि ड्राइंग रूम में ये आपका बाहर की तरफ ये इस तरफ भी आप पूरी विंडो है, दूसरी तरफ दो तरफ में आपको पूरी विंडो जो है वो पूरी आपको नजर आ जाएगी। अगर इसके रूम की बात करें ड्राइंग रूम के, तो ये लगभग 14x12 का ये पूरा जो ड्राइंग रूम है ये आपको 14x12 का पूरा नजर आ जाएगा। ऊपर में आपको फॉल सीलिंग का लाइट का पूरा जो काम है वो पूरा लगा हुआ नजर आ जाएगा। पेंट वगैरह लगे हुए, दरवाजे वगैरह सारे आपको लगे हुए, सारे कुछ आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ आके देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो हॉल है वो पूरा बना हुआ नजर आ जाएगा। लगभग ये आपको 10 फीट की इसकी चौड़ाई है, बाकी जो गहरान है वो 22.5 के आसपास का इसका आपको पूरा मिल रहा है। किचन जो है यहाँ पे बहुत फुल मॉड्यूलर किचन नहीं है, आपको यहाँ पे ड्रॉर वगैरह कुछ लगा के दे दी गई हैं ताकि आप जो बेसिक सामान है वो आप अपना लगा सकें। अगर आपको मॉड्यूलर किचन बनवाना है तो आपको फुल मॉड्यूलर किचन खुद से ही बनवाना पड़ेगा, तो उसका जो अगर यहाँ पे बनाने के लिए बोलते हैं तो उसका चार्ज जो है मॉड्यूलर किचन का अलग आपको पूरा लगेगा। ऊपर में आप देखेंगे पूरे हॉल में इधर POP का पूरा काम मिलेगा। कॉर्नर का घर है तो नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है, इधर आपको विंडो दे रखी है, तो डाइनिंग हॉल अगर यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह लगाते हैं तो आपका बढ़िया सा पूरा सेट हो जाएगा और उसके बाद नेचुरल लाइट भी आपको पूरी मिलेगी। नीचे में आपको दो बेडरूम आपको मिलेंगे। हम इसके पहले बेडरूम को देखते हैं किस तरीके का इसका पहला बेडरूम है। अगर इसके हम इसके पहले बेडरूम की बात करें तो लगभग ये 12x11 का ये पूरा रूम मिलेगा। ऊपर जो है आपको ये पूरा जो है फॉल सीलिंग का पूरा काम इसमें आपको लगा हुआ पूरा नजर आ जाएगा। पेंट वगैरह जो है अच्छी क्वालिटी की आपको पूरी मिल जाएगी। यहाँ पे जो विंडो है ये आपको पूरी लगी हुई आपको पूरी नजर आ जाएगी। इस तरफ आप देखेंगे 4.5 फीट का लगभग ये पूरा आपको OTS का एरिया यहाँ पे दे रखा है। नेचुरल लाइट पूरी यहाँ पे आपको आराम से पूरी मिल जाएगी। इस तरफ में आपको इंग्लिश स्टाइल का पूरा वॉशरूम जो है फुल एसेसरीज के साथ यहाँ पे आपको लगा के आपको सारा सब कुछ दिया जाएगा। 7 फीट की हाइट तक लगभग आपको यहाँ पे टाइल्स वगैरह जो है वो आपको पूरी मिल जाएंगी। इस तरफ से भी आप दूसरे बेडरूम में इस तरफ से भी जा सकते हैं, सामने में भी आप जा सकते हैं।
इस तरीके के बेडरूम में आपको अच्छी चीज ये है कि आपको ये पूरी विंडो, आपको कॉर्नर के घर की पूरी विंडो आपको पूरी मिल रही है। लगभग ये आपको 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 16 फीट के आसपास इस घर का जो पूरा रूम है, 16 फीट के आसपास का ये पूरा जो रूम है वो दिख रहा है। ऊपर में आपको फॉल सेलिंग का पूरा काम दिख रहा है और ये पूरा वेंटिलेशन जो है, दोनों तरफ विंडो है तो वेंटिलेशन में भी किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइट वगैरह का जो पूरा काम है वो पूरा यहाँ पे हुआ आपको मिल जाएगा। और हम नीचे से आपने पूरा एरिया देख लिया है, पूरा घर अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, कॉर्नर का घर है, बढ़िया तरीके से आपको बना हुआ पूरा घर जो आपको पूरा नज़र आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि स्टेयर्स पे आपको मार्बल जो लगा हुआ नज़र आ जाएगा, स्टील की आपको पूरी जो ग्रिल है वो पूरी लगी हुई नज़र आ जाएगी। ऊपर में स्टोरेज आपको अगर थोड़ा बहुत करना है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको दिया हुआ है, तो कुछ स्टोर अगर करना है तो यहाँ पे आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि छत का हिस्सा देखते हैं किस तरीके से पूरा दिख रहा है, आसपास की कॉलोनी किस तरीके से दिख रही है। ये जो पूरा घर है ये आप देखेंगे कि सारा पिलर्स पे बना हुआ पूरा घर आपको नजर आ जाएगा। ये बीच वाले पिलर्स हैं, सरिया बाहर निकली रहती हैं तो इसको इस तरीके से कवर करके रखा हुआ है। जो सारे पिलर्स हैं वो आपको अलग अलग सारे यहाँ पे आपको पिलर्स जो है वो आपको लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ इस तरीके के कई घर बने हुए हैं और अगर इनको देखना है तो आप देखने के लिए आ सकते हैं। आप देखेंगे कि लोकेशन आप देखिए, आसपास जो पूरी कॉलोनी है वो बढ़िया डेवलप कॉलोनी है, सारे बढ़िया तरीके के अच्छे तरीके के सारे आपको यहाँ पे जो घर हैं वो आपको पूरे नज़र आ जाएंगे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो कानपुर रोड के पास में ये घर हैं। आपको जो पूरी तरीके से बहुत सारे लोग कानपुर रोड या हरदोई बाईपास रोड या अवध चौराहे के नज़दीक में आप घर ढूंढते रहते हैं, एयरपोर्ट से नज़दीक में घर ढूंढते रहते हैं, तो ये कॉलोनी जहाँ पे है इस तरीके के घर आपको यहाँ पे बढ़िया घर आपको मिल जाएंगे। ये जो जगह है पंडित खेड़ा आपको जगह लगती है, यहाँ पे आपको ये घर मिलेंगे। और अगर यहाँ से हम कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। पूरी जो रोड है वो यहाँ तक डायरेक्ट आपकी आती है और आपको कानपुर रोड भी जो है आपको 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इधर से अगर आप हरदोई बाईपास रोड की तरफ जाएंगे तो लगभग 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इधर आपको हरदोई बाईपास रोड मिलती है। चारबाग यहाँ से लगभग आपको 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। एयरपोर्ट लगभग आपको यहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। शहीद पथ जाना है या आपको चारबाग की तरफ जाना है या चौक की तरफ जाना है या आपको आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है, किसी भी तरफ अगर आपको जाना है, लखनऊ में किसी भी एरिया में जाना है, तो बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत पीसफुल, बहुत बढ़िया लोकेशन की पूरी आपको ये कॉलोनी है। जहाँ ये पूरा कॉर्नर का 1000 स्क्वायर फिट का ये जो पूरा घर है ये आपको पूरा बना हुआ नज़र आ जाएगा। बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, मार्केट सब कुछ आपको नज़दीक में मिलेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको 500 मीटर के दायरे में आपको मिल जाएगी, स्कूल हॉस्पिटल आपको जो है वो आपको सारे नज़दीक में आपको मिल जाएंगे, तो कहीं भी दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये घर विजिट करना है, ये कॉर्नर का घर देखना है, तो इस घर की विजिट करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके घर की विजिट के लिए आ सकते हैं। हमारे पास लखनऊ में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एरिया में बहुत सारे मकान अवेलेबल रहते हैं। इस पूरे एरिया में जैसे पंडित खेड़ा पे हम खड़े हुए हैं तो यहाँ से अगर आपको 3-4 किलोमीटर के रेडियस में घर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप विजिट के लिए आ सकते हैं। हम आपको आपके बजट के अनुसार जो घर हैं वो आपको दिखा देंगे। अगर इस घर पे आप फाइनेंस की बात करें तो जो हम जितने भी आपको वीडियो बहुत सारे डालते हैं तो लगभग 90% तक आपका लोन हो जाता है, बशर्ते आपका जो सिविल है या आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होने चाहिए। जो लोन होगा वो बैंक से ही फाइनेंस होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपकी सैलरी उस तरीके की होनी चाहिए या आपका अगर बिजनेस है तो इनकम उस तरीके से होना चाहिए ताकि आपका इजली लोन हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो ये कॉर्नर का हमने 1000 स्क्वायर फिट का घर दिखाया, इसके अलावा 920 स्क्वायर फिट, 940 स्क्वायर फिट के भी आपको जो घर हैं यहाँ आपको इसी रोड पे ये बिल्कुल आपको ये सामने वाले आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको इस घर का प्राइस जो है वो जानना है तो प्राइस जो है 4500 के रेट में है, तो 4500 के रेट के हिसाब से मतलब ये हुआ कि अगर ये 1000 स्क्वायर फिट का घर है तो लगभग आपको ये 45 लाख का आपको पड़ेगा। बाकी जो 920 और 940 स्क्वायर फिट के घर हैं वो आप 4500 के रेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पे का पड़ेगा।
जो आपको 25 फीट की रोड 27 फीट की रोड पे हमने घर बताए, आप बहुत सारे घर देखते होंगे, लेकिन इस तरीके की खुले एरिया में, इस तरीके की जो रोड है इतनी बड़ी रोड पे, वो घर आपको नहीं मिलते हैं। तो ये घर आप देखने के लिए बिल्कुल आज आ सकते हैं, और इस तरीके के हमारे पास और सारे घर अवेलेबल रहते हैं, उनको आके देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे वीडियो बहुत सारे घर इस पंडित खेड़ा एरिया में, केसरी खेड़ा, दरोगा खेड़ा, पारा, और ये कानपुर रोड, कृष्णा नगर, इस एरिया में बहुत सारे घर अवेलेबल हैं। इसके अलावा लखनऊ में अलग अलग जगह पे भी बहुत सारे घर अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस तरीके के बेहतरीन बढ़िया खूबसूरत घर अलग अलग लोकेशन के आपके बीच में हम लेके आते रहें। थैंक यू।